ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चीनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाया और सभी देशवासियों से अपील की गई कि चीनी सामान का बहिष्कार करें। ब्यावरा से नीरज साहू और मनोज कुमार की रिपोर्ट। चीन के जमानों का बहिष्कार करो, 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 चीन के प्रधानमंत्री में मेरा नाम आशीष मीना है, आशा शक्ति संगठन से मैं चार जिलों का मंडल अध्यक्ष हूँ। कौन से संगठन से? शक्ति संगठन जी। क्या आज पुतला दहन किया और ये चीनी सामानों की होली के उद्देश्य से? ये चीनी सामान जो हम हमारे भारत में आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम ये इसका बहिष्कार करते हैं, चीनी सामान का उपयोग नहीं करेंगे आज से, चीनी सामान का उपयोग करते हैं। ऐसा फैसला क्यों लिया? जो चीन बार बार हमारे सैनिकों के साथ ऐसा जो ये व्यवहार कर रही है। आज अमित शाह शक्ति संगठन के द्वारा चीनी के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया, चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया। अभी चीन की जो दोगलाई है उसने किस तरह से हमारे देश में घुसकर हमारे सैनिकों के साथ जो उन्होंने घटना की है, पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज हम ये पुतला दहन यहाँ पर हमने किया है। और इस पूरे भारत के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार पूरे ताकत से करें, जोर शोर से करें, क्योंकि चीनी सामान हमारे देश के अंदर 50% घुल चुका है। लेकिन अब हम सब हिंदुस्तानियों को ये जानना होगा कि अब हम चीनी सामान का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह से हम अपने घरों में चीनी सामान की कोई वस्तु न लाएंगे। दीपावली के टाइम भी हम बहुत पुरजोर विरोध करेंगे हमारे साथ शक्ति संगठन के माध्यम से, और बाजार में भी हम आह्वान करेंगे। हमने बहुत सारे यहाँ पर सामान जलाए हैं, मोबाइल जलाए हैं हमने चाइना के, और कुछ यहाँ चाइना के सामग्री भी हमारे संगठन के द्वारा जलाई गई है। हम पूरे देशवासी पूरी ताकत से चीनी का विरोध करते हैं, चीनी का राष्ट्रपति का विरोध करते हैं, और हम बिल्कुल कसम खाते हैं आज से हम चीनी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। भारत माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।